हेलो, डिटरमाइनर्स के सेकेंड वीडियो में हम देखते हैं कि अब हमने डिटरमाइनर के डेफिनेशन का समझ ली थी, नाउन को और क्या एडजेक्टिव है, क्या डिटरमाइनर है, क्या नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह के डिटरमाइनर को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसे मच हो गया, मेनी हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, बोथ हो गया, ऑल हो गया, ये सबको हम साथ में देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चले फिर अपन चलते हैं। आज सबसे पहला डिटरमाइनर का डिफरेंशिएट करने के लिए सम और एनी। देखो दोनों का मीनिंग लगभग लगभग कुछ होता है कि भाई आई हैव सम बुक्स, डू यू हैव एनी बुक, बिल्कुल एक जैसा। तो उसमें क्या थोड़ा सा माइनर माइनर डिफरेंशिएट करने के लिए रह गया जाता है, उसको अपन पढ़ लेते। देखो ये जो सम है वो काउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल चीजों में भी कह सकते हैं। अब काउंटेबल क्या है, जैसे हम 1 2 3 4 5 इन्हें पेन, जैसे पेन हुआ तो ये क्या हो गया, काउंटेबल। लेकिन वहीं पे अपन ने शुगर कर ली, ऑयल कर लिया, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। मतलब जिसे हम फिंगर पर गिन नहीं सकते, अपन इसे ऐसा ले लिया ना। जैसे नाउन में अपन काउंटेबल और अनकाउंटेबल अपन पढ़ चुके हैं। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। जैसे इन पॉजिटिव सेंटेंस, जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं और वहां पे कुछ का सेंस आता है, आई हैव सम बुक्स, शी हैज सम पेन्स, उसके पास कुछ पेन है, इट हैज सम बुक्स, उसके अंदर कुछ बुक्स हैं, इट हैज सम पेन्स, उसके अंदर कुछ पेन है, ठीक है। तो ऐसा, तो यहाँ पे अपन कुछ ऐसे, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक है, ही बॉट सम राइस, उसने कुछ देखो यहाँ पे ये तो आपका काउंटेबल था और यहाँ पे अनकाउंटेबल था, यहाँ पे भी इसका यूज करते हैं। ही बॉट सम राइस फ्रॉम द शॉप, उन्होंने कुछ चावल खरीदे शॉप से, है ना। ले अब देखेंगे, सविता सेव्ड सम मनी, सविता ने कुछ पैसे जमा किए एंड बॉट ड्रेस, और ड्रेस खरीद ली। ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस, बिल्कुल सरल चीजें है ना। लेकिन देखेंगे दूसरा, लेकिन कई बार होता है कि हमको कहीं कहीं क्वेश्चन में भी सम देखने मिलता है, तो वो आखिर क्या है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब हम कोई चीज पे ऑफर करते हैं, जब कोई चीज की रिक्वेस्ट करते हैं, सो प्लीज कर देते हैं, तब वहां पर हम सम का यूज इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। पहले मैंने बताया आपको कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, यानी अफर्मेटिव में करते हैं, परंतु जब हम किसी चीज के लिए ऑफर करते हैं, जैसे मैंने बोला कि क्या आप चाय लोगी क्या, भले वो आपको प्रश्न जैसा दिख रहा है लेकिन वो एक प्रकार से मैं उसको ऑफर कर रही हूँ, तो वहां पे अपन सम लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि वुड यू लाइक टू सम टॉफी, क्या तुम कुछ टॉफी पसंद करोगी, तो ये हम वहाँ पे सम लगाएंगे, वहां पे एनी नहीं लगाएंगे, है ना। तो देखेंगे दूसरा एग्जांपल, जब रिक्वेस्ट की बात हो या ऑफर की बात हो तब भी सम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, कुड यू पास द सॉल्ट, पास बस सॉल्ट को पास करोगे, दोगे वहां से पास करना चाहोगे, तो ये उसके लिए हमने ये कुड यू पास सम, सॉल्ट, कुड यू पास सम सॉल्ट, कुछ नमक पास करोगे थोड़ा बहुत वहां से, वुड यू लाइक सम थिंग्स, कुछ चीजें पसंद करोगे, कुछ चीज पसंद करोगे तुम, यानी कुछ खाना लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू टेक सम, या फिर इसको ऐसा कह लो, वुड यू लाइक टू टेक सम टी, वुड यू लाइक टू टेक सम स्नैक्स, किसी प्रकार का कोई स्नैक्स पसंद करोगी तुम, ठीक है ना, ये स्नैक्स आ जाता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का सम का इंट्रोगेटिव होते हुए भी आप उसको यूज कर सकते हैं, परंतु एनी को थोड़ा सा हम विपरीत में लेके चलेंगे। एनी यानी भी होता है कोई और कुछ, ये भी अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल में यूज कर सकते हैं, बट उसका मोस्ट ऑफ टाइम भी यूज निगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं। जैसे किसी ने पूछा कि भाई वो कहाँ है, क्या है, या किसी चीज के बारे में या किसी आइडिया के बारे में, तो आप बोल देते ना, आई डोंट हैव एनी आइडिया, कोई आइडिया मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, मेरे को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन की बात आएगी, अपन जैसे क्या बोलेंगे, आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन, आई हैव सम इन्फॉर्मेशन, तभी भी हमें नहीं, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ही डजंट हैव एनी मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। देखो एनी क्यों आया है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे अपन ने एनी लगा दिया है। अब देखो यहाँ पे पहला वाला क्लॉज तो आपका पॉजिटिव जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, आई वॉन्ट अ फ्रेश मैंगो, मैं फ्रेश मैंगो, मतलब मुझे फ्रेश
मैंगो चाहिए या ताजे मैंगो चाहिए, ताजे फल चाहिए, कुछ भी ले लो. Have you any mangoes? क्या आपके पास कोई मैंगो है? क्या आपके पास कोई आम है? तो इस प्रकार से आपने बोल सकते हैं, क्या आपके पास कुछ आम है? क्या आपके पास कोई आम है? तो आप इस प्रकार का सेंटेंस दे सकते हो कि ये पॉजिटिव है. लेकिन यहाँ से तो आपने उसमें कुछ प्रश्न पूछना शुरू किया है. देखो, है Do you have any mango? Do you have any? Have you? कुछ है तुम्हारे पास? इस प्रकार से भी जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप वहाँ एनी का यूज कर सकते हैं. अब यहाँ देखेंगे, आर देयर एनी गुड होटल्स नियर बाय? पास में ही कोई एक अच्छी होटल है क्या? कोई होटल है क्या पास में अच्छी सी? तो वहां पे भी हम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे एनी लगा दिया. नो हियर इज नो एनी गुड होटल्स. अब कोई भी होटल नहीं, होटल है उसका प्रोनाउंसिएशन होटल, होटल कोई भी होटल नहीं है. तो नो इट देयर इज नो एनी होटल या देयर इज डोंट आई डोंट इधर कोई भी होटल नहीं है. देयर इज नो एनी होटल, यहाँ पे कोई भी होटल नहीं है. अब यहाँ पे देखो, रानू डिडंट गिव मी एनी मनी. रानू ने मुझे एक भी कुछ भी पैसा नहीं दिया. एक भी पैसा नहीं दिया मतलब ऐसे होता है ना, एक भी पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया. तो कोई पैसा उसने नहीं दिया, ही डिडंट, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना. एक और थोड़ी सी वाली बात रहेगी, यदि आपके सेंटेंस में इफ लग गया है, विदाउट लग गया है, स्कार्सली लग गया है, हार्डली लग गया है, ऐसे निगेटिव वर्ड आते हैं ना, वहां पे भी आपको इफ यू हैव एनी पेन. देखो यहाँ पे आपके पास नॉट नहीं लगा है, लेकिन फिर भी यदि आपके इफ यू हैव एनी पेन, यदि आपके पास कोई पेन है तो प्लीज गिव मी, सो प्लीज गिव मी. तो इस प्रकार से यानी वहां पे आपका निगेटिव के सेंस अगर हो तो दो ना, अगर हो तो दो. यहाँ पे देखेंगे, आई कैन सॉल्व दिस मैथ, मैं ये सॉल्व मैथ सॉल्व कर सकता हूँ विदाउट एनी हेल्प, मतलब किसी भी हेल्प के, कि विदाउट एनी हेल्प मतलब यहाँ पे भी हम निगेटिव का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एनी का यूज करेंगे. इट मीन्स फिर से ध्यान देंगे कि जब सम और काउंटेबल, सम और एनी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और यहाँ पे निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज कर सकते हैं. बट कभी कभी जब हम कोई ऑफर करते हैं, जब हम कोई चीज रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ प्रश्न होते हुए भी हम इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं सम को. ऐसे ही जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस ना भी दिख रहा हो लेकिन इफ आ रहा है, विदाउट आ रहा है, स्कार्सली आ रहा, हार्डली आ रहा, वहाँ पे भी हम एनी का यूज करते हैं. तो है ना ये बहुत इजी ट्रिक, इसको थोड़ा समझ के और इसको बार बार ज़्यादा एग्जाम्पल में लेंगे तो हमको बहुत जल्दी बनने लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब देखो, ईच और एवरी दोनों का मीनिंग प्रत्येक होता है, हर एक होता है. हर एक रूम में खिड़की है, हर एक रूम में सेल्फ है, हम ऐसा बोलते हैं ना कई बार. तो ईच और एवरी भी दोनों लगभग लगभग सेम लगते हैं, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा यूज देखेंगे हम. देखो ईच और एवरी दोनों एक के लिए, प्रत्येक मतलब एक के लिए यूज करेंगे. अब क्या होगा, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लेना ही लेना, ठीक है ना. मैंने बताया कि डिटरमाइनर हो तो नाउन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, लेकिन उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी. तो दोनों में प्रत्येक में है लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या, जब ईच का मतलब ना बिल्कुल हर एक, जैसे बहुत छोटा, थोड़ी स्ट्रेंथ के लिए या थोड़ा नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है या थोड़ा, जब हमारे दिमाग में चलते ना कि भाई हमारे पास 4-5-10 रूम है, मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, मैं इन सबका इतना ध्यान रख सकती हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं मेरे, इनका पूरा ध्यान रख सकती हूँ, मतलब मुझे पता है कि ईच स्टूडेंट्स हैज पेन, ईच स्टूडेंट्स हैज बैग, ईच स्टूडेंट्स हैज कंपास बॉक्स, मतलब मुझे पता है कि यदि मेरे पास 10 बच्चे हैं तो 10 के पास सब कुछ होगा. मतलब जहाँ पे छोटे का सेंस आता है और मुझे पता है कि मैं एक सर्टिनिटी भी बनी रहती है कि इनके पास है, मतलब मेरे माइंड में है कि इनके पास ये है ना. तो इस तरह का छोटी चीजों के लिए अपन ईच लगा देते हैं. लेकिन अगर बहुत सारा एवरी है हर रूम, जैसे मैंने बोला कि जैसे आप पूरी असेंबली खड़ी है तो मैं बोली एवरी स्टूडेंट हैज पेन, क्या हर स्टूडेंट्स के पास पेन है ना, तो इट मीन्स वहां पे यदि एक आध दो के पास ना भी हो तो भी चलेगा, है ना. इट मीन्स हैव ऑलमोस्ट लोगों के पास है, तो इट मीन्स ईच जो है वो थोड़ी क्वांटिटी के लिए आएगा और एवरी भी वही है लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा के लिए आएगा, है ना. देखेंगे, ईच रूम हैज विंडो इन माय होम. मेरे घर में हर रूम में खिड़की है, तो मुझे पता है इसका, मेरे को आइडिया है कि है मेरे पास. लेकिन वहीं पर अगर एवरी में अगर डिफ्रेंशिएट करिए तो एवरी रूम ऑफ दिस होटल, इस होटल के एवरी रूम में
इस होटल के हर कमरे में एसी है। एसी है मतलब होटल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनके हर कमरे में एसी है। अब एक आध कमरा में नहीं भी होगा तो वहां पर हम एवरी का यूज करेंगे। इट मीन्स छूट भी रहा है तो छूट रहा है, एवरी मतलब बहुत बड़ी संख्या में, हर कमरे में एसी है, ठीक है ना। अब देखेंगे अपन यहाँ पे, ईच टीम हैज 11 प्लेयर, हर टीम में 11 प्लेयर होते हैं इन क्रिकेट। क्रिकेट की हर टीम में, प्रत्येक टीम में कितने होते हैं हमें पता है कि दो टीम होती है, तीन टीम होती है, चार टीम होती है, उसमें हर टीम में 11 होते हैं, ये हमारे माइंड में चल रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे एवरी रूम हैज अ विंडो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था एवरी रूम हैज अ विंडो इन माय स्कूल बिल्डिंग। अब स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कम से कम 100 के करीब कमरे हैं, तो फिर वहां पे एवरी रूम हैज अ विंडो, हर रूम में विंडो है मेरे स्कूल बिल्डिंग में। तो अब यानी ऑब्वियसली होगा इसमें होनी होनी है, एक जगह खिड़की है, दो जगह की खिड़की है, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा माइंड से थोड़ी दूर भी चले जाती है, दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती। तो यहाँ पे एवरी रूम हैज, हर कमरे में एक विंडो है, एक मेरे स्कूल में, तो यहाँ पे कम का थोड़ा सा सेंस आएगा और यहाँ पे ज्यादा का सेंस आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ ग्रामर बुक। अब अपनी क्लास में 40-50 मोस्ट ऑफ टाइम 40-50 स्टूडेंट है, तो हम बोले ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ ग्रामर बुक। ईच हैज सबके पास है ग्रामर बुक, की ग्रामर बुक सबके पास है। तो ये फिर से वही वाली बात आ गई कि मैंने देख चुकी हूँ ना कि हर सबके पास है, प्रत्येक के पास में है। यहाँ देखेंगे एवरी लिविंग बींग, तो लिविंग बींग तो दुनिया में बहुत सारी है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, ह्यूमन पर्सनालिटी भी हो सकती है। एवरी लिविंग बींग नीड्स एयर एंड वाटर, हर किसी को काय की जरूरत पड़ती है, एयर और वाटर की जरूरत पड़ती है, तो ये ज्यादा के लिए आ गया है ना। तो बिल्कुल छोटा सा अंतर है, लेकिन है पढ़ने के लिए, है डिटरमाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल में आ जाएगा तो आपको ईच समझ में आना चाहिए, एवरी कहाँ पुट अप करना है, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो आप कहाँ क्या करोगे इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं मच और मेनी पर, है ना। मच और मेनी दोनों मतलब होता है कि कई, बहुत सारे, बहुत सारे। जैसे पेन है, पेन क्या है आपके लिए, काउंटेबल है। अब यहीं पे यदि एयर है आसपास, पूरे एटमॉस्फेयर में एयर है, हमारे सराउंडिंग एयर है, तो वो क्या हम काउंट नहीं कर सकते ना, कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, नहीं काउंट कर सकते। अभी पूरी तरफ एयर, नथिंग बट एयर है ना, नथिंग बट वाटर, सब जगह पानी पानी है, सब जगह एयर ही एयर है, तो हम इसको क्या काउंट कर सकते, क्या शुगर को काउंट कर सकते, क्या नहीं। तो जो चीज पे काउंट नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल कहेंगे, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल कहेंगे। तो ये जो मच है वो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ लगता है, और जो मेनी है वो हमेशा काउंटेबल के साथ लगता है ना। जैसे ये पेन है, जैसे हम काउंट कर सकते हैं, 1 finger है, 1, 2, 3, 4, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन मच मैंने बताया कि जैसे हम एयर को कर सकते हैं, वाटर को कर सकते हैं, ऑयल को कर सकते हैं, शुगर को कर सकते हैं, राइस को कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपन मच लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड देयर, कितना टाइम तुमने वहां बिताया, ठीक है ना। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड देयर, कितना टाइम बिताया, तो टाइम तो आपका अनकाउंटेबल है ना, तो वहां पे अपन ने क्या लगाया, हाउ मच, क्या लगाया, हाउ मच। लेकिन अगर यहीं पे ये एक एग्जांपल हो जाता, हाउ मेनी आवर्स, HOUR, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्पेंड देयर, डिड यू स्पेंड देयर, आपने वहां पे कितने घंटे बिताए, तो फिर आपको हाउ मेनी करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिताएंगे ना वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ जाते, टू मच कुक्स, यहाँ पे देखेंगे टू मच कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, द ब्रोथ इन एन ओल्ड सिंग, लोगों ने कहा, पुराने लोगों ने कहा है कि बहुत ज्यादा पकाना मतलब बेकार हो जाता है, बहुत किसी चीज को बहुत ज्यादा पकाना वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। टू मच, टू मच ने बहुत ज्यादा किसी चीज को स्पॉइल करना, वो थोड़ा क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, बिगड़ जाता है, काम बिगड़ जाता है, ऐसा पुराने पुराने जो रसोई है ना वो ऐसा कहते थे कि जैसे गोश्त वगैरह को पकाया, ऐसी कहावत है पुरानी कि उसको पकाने से, तो टू मच बहुत सारा, क्योंकि पकाना भी क्या है एक प्रकार की अनकाउंटेबल है ना, कितनी देर का है, 1 घंटे 2 घंटे 20 मिनट, कोई काउंटेबल उसकी चीजें तो है नहीं टाइम, तो ये भी हो सकता है। अब देखेंगे हाउ मच डिड द टी शर्ट कॉस्ट,
हाउ मच कॉस्ट भी कह सकते हैं अपन, हाउ मच डिड द टी शर्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं ना। तो कॉस्ट मतलब कीमत, कितनी होगी इसकी कीमत, तो कितनी कीमत है तो हमने क्या करना है, हाउ मच ही लगाना है। हाउ मच कॉस्ट, कितनी कीमत है तो हमें हाउ मच लगाना है। लेकिन वहीं पे अगर हम कॉइन की बात करते हैं, इसको उल्टा ले लेंगे, तो हाउ मेनी टी शर्ट डिड यू बाय इन 100 रुपीज, 100 रुपीज में आपने कितनी टी शर्ट खरीदी। 100 तो बहुत कम हो जाएगा, तो उसको 1000 कर देते हैं ना। 1000 रुपीज में आपने कितनी टी शर्ट खरीदे, तो टी शर्ट को क्या कर सकते थे, आप काउंट कर सकते थे। लेकिन 100 रुपीज, 200 रुपीज ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम जब मनी की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा हमेशा कितना करेंगे, कॉस्ट की बात करते हैं तो हमेशा मच के बारे में बात करते हैं, है ना। आप देखेंगे फिर से, देयर इज मच वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, बहुत सारा, कहीं भी पटक देते हैं, वहीं बटा है, ग्लास में है तो ग्लास का साइज हो जाएगा, जग में है तो जग का साइज हो जाएगा, उसको थ्रो कर देंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो उसको काउंट नहीं कर सकते ना। वैसे तो क्वांटिटी ले सकते हैं, कैसे 1 लीटर 2 लीटर, वो अलग मैटर हो जाता है ना। तो जब हम वाटर को भी करते हैं तो भी हम क्या करेंगे, मच लगाएंगे, है ना। देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, यहाँ पे पॉन्ड में बहुत सारा पानी है, जो कोई तालाब होगा वहां पे बहुत सारा पानी है। अगर वहां पे हम इसको थोड़ा सा उल्टा देखते हैं तो इसको मैनी के साथ कैसे यूज करेंगे, देयर आर मेनी बॉयज, देयर आर मेनी बॉयज, यहाँ पे लड़के, लड़के क्या है, काउंटेबल, देयर आर मेनी बॉयज इन द पॉन्ड। अब यहाँ तो पानी की बात की थी, वाटर की बात की थी, तो मच आ गया, लेकिन उस पानी में बच्चे तैर रहे हैं, स्टूडेंट तैर रहे हैं, लड़के तैर रहे हैं, तो लड़के क्या हो गए, आपके काउंटेबल हो गए, तो वहां पे हाउ मैंने लगा दिया। नेक्स्ट भी देखेंगे, हाउ मच मनी डू यू हैव, कितने पैसे आपके पास है, तो आपके पास हाउ मच आएगा, है ना, मैंने अभी समझाया। लेकिन अगर मैंने कोई कॉइन, अगर मैंने नोट की कॉइन काउंटिंग कर ली कि 1 नोट 2 नोट 3 नोट, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, हाउ मेनी लगा सकते हैं, देखो। या फिर कॉइन की बात कर ली तो वहां पे भी हाउ मेनी देखेंगे, जैसे हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, कितने सिक्के तुम्हारे पास है, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्के, 4 कॉइन, है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बताई है ना, इसी की मतलब की मात्रा बताई कि कितना पैसा है आपके पास। इस देयर, हाँ, अब अक्सर से शुगर वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो अपन बोलते हैं कि क्या इसमें ज्यादा शुगर हो गई क्या, तो इस तरह से अपने को पूछना है, तो इस देयर मच शुगर इन योर टी, क्या इसमें ज्यादा शुगर है आपकी चाय के अंदर, ज्यादा शुगर हो गई है क्या। तो हम इस प्रकार से, तो शुगर क्या है हमारी, अनकाउंटेबल है। मच डस्ट, मच शुगर, मच ऑयल, मच आई लव यू मच, है ना, मैं नहीं बोलती क्या, नहीं ना, मच आई लव यू, आई हेट हिम मच, बहुत ज़्यादा। तो जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल यानी मच का ही यूज करेंगे, और काउंटेबल तो आपको मैंने बता दिया। अब जैसे कि स्टार्स की बात आएगी तो भाई हाउ मेनी बोल सकते हैं ना, हाउ मेनी स्टार्स आई हैव सीन, यहाँ दिख रहे, काउंटलेस हो सकता है ना, काउंटलेस। बट अगर हमने बोला कि आई हैव सीन 1 स्टार टुडे, मैंने एकदम आज पूरे उसमें बादल ही बादल थे तो एक ही स्टार देखा, तो मैं केवल एक ही स्टार देख चुकी हूँ आज, ये मैंने देखा एक ही देखा, तो वहां पे तो अपन काउंट कर रहे हैं, तो वहां पे भी अपन मेनी का यूज कर सकते हैं। तो काउंटेबल और काउंटलेस और अनकाउंटेबल, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको डिटरमाइन समझाने की, हाँ, इसको डिटरमाइंस भी कह सकते हैं और डिटरमाइनर भी कहते हैं ना, डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, डिटरमिनर्स भी कहते हैं, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए और ले लें, क्योंकि दोनों एक्सेंट आपका ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट भी काम करता है। जब आप उसको रेगुलर किसी चीज़ में लेने लगते हो तो आपको हर चीज़ के नॉलेज भी हो जाता है, और हर चीज़ का, अगर आपको जो अच्छा लगता है पहले उसको समझे, देन आफ्टर यूज इट, एंड देन आफ्टर क्लेम योर एक्सेंट, ठीक है। थैंक यू।